दोस्तों, नॉक एट द केबिन साइकोलॉजी हॉरर मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है। इसकी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम वैन होता है, जो जंगल में केबिन के पास खेल रही थी। वो केबिन पेंसिल्वेनिया के रूरल एरिया में होता है। यहाँ वो बच्ची अपने दो पिता एरिक और एंड्रयू के साथ छुट्टियाँ मनाने आई होती है। अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता सकें इसलिए इन लोगों ने इस बच्ची को अडोप यानी गोद लिया है। जब ये बच्ची बाहर केबिन के पास ग्रास होपर पकड़ रही होती है तो इसको एक आदमी आता हुआ दिखता है जिसका नाम होता है लियोनॉर्ड। लियोनॉर्ड इस बच्ची से बातें करने लगता है और कहता है, मैं यहाँ बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। वो ये बात कर रहा होता है और बार बार जंगल की तरफ देखता है। फिर हमें जंगल की उस साइड से तीन लोग और आते हुए दिखते हैं। उन लोगों के हाथ में हथियार होते हैं। वैन लियोनॉर्ड से पूछती है कि क्या ये आपके साथ हैं, तो वो हाँ कहता है। उनके हाथों में हथियार देखकर वो बच्ची डर जाती है और केबिन की तरफ भागती है। वहाँ उसके दोनों पिता बैठे हुए थे। वो सारी बात उनको बताती है। ये दोनों भी बच्ची की बात सुनकर डर जाते हैं और उसको लेकर केबिन के अंदर चले जाते हैं और अंदर से केबिन को बंद कर लेते हैं। लियोनॉर्ड गेट पर आ जाता है और इनसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, पर जब बच्ची के पिता बाहर जाकर देखते हैं तो वो लोग हथियार देखकर और डर जाते हैं और उन लोगों से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन लियोनॉर्ड भी बार बार कह जा रहा था कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे अंदर आने दो। लेकिन एंड्रयू और एरिक बच्ची को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो हथियार ढूंढने लगते हैं। पर उन्हें याद आता है कि उनकी गन बाहर गाड़ी में ही रह गई है। बाहर जो लोग थे उनके पास काफ़ी हथियार थे, पर वो फिर भी उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे। लेकिन ये दोनों उनको धमकियाँ देते हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। पर यहाँ सिग्नल नहीं थे और लैंडलाइन के तार बाहर वाले लोगों ने ख़राब कर दिए थे। जब उनके बार बार कहने के बावजूद ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते तो वो लोग हथियार से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। एंड्रयू और एरिक लोगों पर हमला करने लगते हैं, पर अजीब चीज़ हम ये देखते हैं कि ये लोग उन पर हमला नहीं कर रहे थे, पर ना चाहते हुए भी लड़ाई में एरिक के सर पर चोट लग जाती है। तो उन्हीं में से एक लेडी एरिक की मदद करती है। वो बताती है कि मैं एक नर्स हूँ, जिसका मतलब ये था कि ये लोग इन लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आए थे। अब एरिक को होश आ जाता है तो वो देखता है कि इन चारों ने इन दोनों को बांध दिया था और छोटी बच्ची भी उनके पास खड़ी थी। फिर वो चारों एक एक करके अपने बारे में लोगों को बताते हैं। लियोनॉर्ड कहता है कि हम यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आए हैं, बहुत जल्द दुनिया पर एक खतरा आने वाला है और तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर उस खतरे को टालना होगा। इसके बाद नर्स आती है और बताती है कि वो यहाँ बहुत दूर से आई है, जिसकी वजह से उसे अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ी। लियोनॉर्ड बताता है कि वो एक टीचर है और उसका एक बार भी है। लियोनॉर्ड के साथ जो दूसरा आदमी था, जिसका नाम रेमंड होता है, वो बताता है कि मैं एक गैस कंपनी में काम करता हूँ। पहले मैं अच्छा इंसान नहीं था, पर अब मैं खुद को अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब लियोनॉर्ड के साथ जो एक लड़की और थी, वो बताती है कि मैं एक होटल में शेफ हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद एरिक और एंड्रयू सोचते हैं कि इन लोगों को यहाँ इनके माँ बाप ने या किसी बड़े मजहब के ताल्लुक रखने वाले किसी पादरी ने भेजा है, क्योंकि वो सब लोग नहीं चाहते कि ये दोनों एक साथ रहें, क्योंकि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इनको अलग करने के लिए इन लोगों को यहाँ भेजा गया है। लियोनॉर्ड कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, हम यहाँ एक खास मकसद से आए हैं। वो उन्हें बताता है कि दुनिया तबाह होने वाली है, बड़े बड़े भूकंप, महामारी, सुनामी जैसी आफतें दुनिया को ख़त्म कर देंगी, पर यह सब कुछ होने से रोका जा सकता है अगर तुम तीनों में से कोई एक अपनी जान दे, और ये काम तुम्हें खुद अपनी मर्जी से अंजाम देना होगा। तुम्हारी इजाज़त के बिना कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, यानी कि तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लियोनॉर्ड बताता है कि हम चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर हमको एक जैसे सपने आए हैं और एक दूसरे के बारे में भी हमें उन्हीं सपनों में मालूम हुआ है। और हाँ, एक बात जान लो कि अगर तुम तीनों में से किसी ने भी अपनी जान नहीं दी तो हम चारों के चारों तो मारे ही जाएंगे, पर उसके बाद ये सारी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद अगर इस दुनिया में कोई बचेगा तो वो तुम और तुम्हारी बेटी होगी, जिसका मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया तबाह होने की वजह से तुम भी भूख और प्यास की वजह से मारे जाओगे। पर अगर तुम अभी सही फैसला कर लेते हो तो सारी दुनिया बच सकती है। वो बताता है कि सबसे पहले पानी हर जगह सैलाब की शक्ल में तबाही मचाएगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, फिर उसके बाद एक बीमारी फैलेगी जो सभी लोगों की जान ले लेगी,
और आखिर में गॉड इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे। पर ये सारी बातें सुनकर एंड्रियो और एरिक इनकी बातों को झूठ मानते हैं और अपनी जान सेक्रीफाइस यानी कि कुर्बान करने को मना कर देते हैं। लियोनार्ड कहता है जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी एक फैसले की कीमत सारी इंसानियत को भुगतना पड़ेगी। इसके बाद रेमंड जो लियोनार्ड का साथी था निराश होकर सामने आता है और अपने चेहरे पर एक सफ़ेद कपड़ा डाल लेता है। तभी एरिक को उसके पीछे से रोशनी चमकती हुई दिखती है और वो ये देखकर रोने लगता है। इधर रेमंड बताता है कि वो इंसानियत के लिए अपनी जान दे रहा है। उसके ये कहने के बाद लियोनार्ड अपने हथियार से उसे मार देता है। ये देखकर एरिक और एंड्रियो डर जाते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एरिक और एंड्रियो खुशी खुशी बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए जा रहे होते हैं और वो लोग बहुत खुश थे कि उनका परिवार पूरा हो गया था। अब हम देखते हैं कि लियोनार्ड उन्हें टीवी दिखा रहा होता है जिसमें खबर आ रही थी कि बहुत सारे जलजले दुनिया भर में आ रहे हैं। समुंदर के पास बसने वाले शहर और देश सुनामी और सैलाब की वजह से तबाह हो रहे हैं और कई लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया था। एंड्रियो अभी भी यकीन नहीं कर रहा था पर एरिक थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगा था। फिर एक बार और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एरिक और एंड्रियो एक कार में बच्ची के साथ खुशी के पल बिता रहे थे। बच्ची भी दोनों को अपना पेरेंट समझने लगी थी और ये लोग दुनिया वालों से दूर पेंसिल्वेनिया के इस केबिन में छुट्टियां मनाने आए थे, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि एक साथ बिताया हुआ उनका ये आखिरी सफ़र होगा। अब दोबारा से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि नर्स एरिक की पट्टी कर रही होती है और बताती है कि हम चारों को इस तबाही से जुड़े हुए सपने आते हैं जिसकी वजह से हम साथ मिले और यहाँ तुम्हारा होने का भी हमें मालूम हुआ। इसके चलते इस केबिन से छोटी बच्ची भागने की कोशिश करती है तो लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है। एंड्रियो कहता है कि तुमने अपने जिस साथी को मारा था उसका कुछ वक्त पहले मुझसे झगड़ा हुआ था, हो सकता है शायद वो उसी का बदला लेने यहाँ आया हो। लियोनार्ड कहता है कि मैं नहीं जानता वो कौन था पर उसने ही हमें इस तबाही और बर्बादियों के बारे में बताया था जिसके बाद हमें भी सपने आने लगे। हमारा मकसद तो बस इतना है कि इन तबाहियों को रोकना चाहते हैं। फिर वो सबको आराम करने को कहता है। जो लड़की शेफ थी वो छोटी बच्ची को खाना बनाकर खिलाती है पर बच्ची बड़ी ही चालाकी से एक चाकू लाकर अपने पापा के हाथ में दे देती है और उन सब लोगों का ध्यान भटकाने लगती है। अब वो लेडी जो शेफ थी वो कहती है कि दूसरी तबाही का वक्त हो चुका है, तुम लोग हमारी बात अभी भी मान जाओ, पर वो दोनों इनकी बात नहीं मानते। कुछ देर बाद वो लेडी खुद को ख़त्म करने के लिए कहती है और उसे मार दिया जाता है जिसका मतलब साफ था कि उसकी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी, वो भी अब जिंदा रहना नहीं चाहती थी। लीडर उसकी लाश को बाहर कर देते हैं जिसके बाद वो दोबारा से टीवी देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिससे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इनका एक और सपना सच हो रहा था। एंड्रयू कहता है कि ये सब पुरानी खबरें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो खबरें अभी चल रही हैं वो तुम लोगों ने पहले ही बता दी, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। पर एरिक अब इनकी बातों पर यकीन करने लगता है क्योंकि जब उसने पहले आदमी को मरते हुए देखा था तो वहाँ उसने एक चमक महसूस की थी जैसे कि बड़ी शक्ति उनके पीछे हो। एरिक ये सोच रहा था कि शायद यह चारों ही हैं जो इस दुनिया में तबाही फैलाने के लिए आए हैं। सबके पास अपनी अलग अलग ताकत है, एक के पास सुनामी लाने की ताकत है तो दूसरा महामारी ला सकता है, तीसरा इस दुनिया में मौजूद सारा खाना खराब कर सकता है और चौथा मौत लाने वाला होगा। पर एरिक की सोच यहाँ पर गलत थी, उसने अपने दिमाग में अजीब सी ही कहानी को बना लिया था क्योंकि असल में ये चारों उन तबाही को रोकने आए थे। तभी छोटी बच्ची एक ज़ोरदार चीख लगाती है और इन सब का ध्यान भटकाने लगती है। तभी एरिक और एंड्रियो छुरी की मदद से खुद को आज़ाद कर लेते हैं। एरिक अंदर इन लोगों को रोकता है और एंड्रियो बाहर कार से गन लेने चला जाता है। जब नर्स उसे रोकने पास आती है तो वो उसे गन से डराने लगता है। वो बाहर पड़ी रेमंड की लाश में से आइडेंटिटी कार्ड निकालता है और लियोनार्ड को दिखाता है और कहता है जो कुछ ऐसा आदमी ने तुम्हें बताया है वो सब झूठ है, इसने तो अपना नाम तक तुमको सही नहीं बताया, वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने आया था। पर लियोनार्ड उसकी सारी बातों को मानने से इनकार कर देता है और कहता है जो कुछ भी है सब सच है। और अब लियोनार्ड नर्स को भी इंसानियत के नाम पर जान से मारकर कुर्बान कर देता है। एंड्रयू को अब यह आदमी पागल लगने लगता है, वो उसको ले जाकर बाथरूम में बंद कर देता है। पर कुछ ही देर बाद उन्हें गिलास टूटने की आवाज़ सुनाई देती है जिससे लगता है कि लियोनार्ड वहाँ से भाग गया, पर वो वहीं छुपा हुआ होता है और एंड्रयू पर हमला कर देता है और उसकी गन छीन लेता है। जब ये लोग लड़ते हुए होली मनाते हैं तो वहाँ टीवी पर खबर चल रही होती है
कि सभी एरोप्लेन आसमान से सीधा ज़मीन पर गिर रहे हैं, जिनके गिरने से काफ़ी तबाही हो रही है और उसके अंदर बैठे हुए लोग भी सारे मारे जा रहे हैं। टीवी में जो न्यूज़ एंकर लेडी बैठी हुई थी, वो जैसे जैसे अपने अल्फाज बोल रही थी, लियोनार्ड उसके साथ साथ इन अल्फाजों को दोहरा रहा था, क्योंकि उसने अपने सपने में ये खबर काफ़ी बार सुन रखी थी। एंड्रियो इन सब पर अभी भी यकीन नहीं कर रहा था, पर एरिक को अब इन सब बातों पर यकीन हो चुका था, क्योंकि जब उसने उनका पहला साथी मरते हुए देखा था तो उसने सफ़ेद रोशनी को देखा था। लियोनार्ड अब हार मान चुका था और उसे अब अपने जीने का कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए इंसानियत के नाम पर वो खुद को भी ख़त्म कर लेता है। अब आसमान में काले बादल छा चुके थे और पूरी दुनिया में अंधेरा होने लगा था। उसके बाद एरिक एंड्रियो से कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। वो चारों हमारे पास बड़ी उम्मीदों से आए थे, पर हमने एक एक करके उन्हें मरने दिया। अगर हम पहले ही मर जाते तो आज वो लोग जिंदा होते। अब हम तो ये जिम्मेदारी है कि हम बाकी रची इंसानियत को बचा सकें। पहले इंसान ने हमें बताया था कि नफरतों को कैसे ख़त्म करना है, और दूसरी ने बताया कि लोगों को ख्याल कैसे रखा जाए। तीसरे ने लोगों को बचाने का संदेश दिया और चौथे ने बताया कि जिम्मेदारी क्या होती है। एंड्रयू बड़े अफसोस से कहता है कि इस काम के लिए हम ही क्यों चुने गए। एरिक कहता है, ये तो मैं नहीं जानता, हो सकता है कि ये शायद हम तीनों की बेपनाह प्यार की वजह से हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी बेटी का ख्याल रखो और उसको पाल पोस कर बड़ा करो, इसलिए मैंने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया है। ये सुनकर एरिक खुद को ख़त्म कर लेता है। एंड्रयू अपनी बेटी को लेकर अब केबिन से बाहर आ जाता है। तभी केबिन पर एक बिजली गिरती है और वो पूरी तरह से जल जाता है, जिसका सही मतलब ये है कि ऊपर वाले ने एरिक की कुर्बानी को कबूल कर लिया था। ये लोग वहाँ से चलने लगते हैं, जहाँ आगे कुछ दूर इनको एक कार खड़ी दिखाई देती है, जो कि उन चारों लोगों की थी जो इन्होंने इन्हीं लोगों के लिए छोड़ी थी। उसके बाद जब ये लोग एक टाउन में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ सही होने लगा था। न्यूज़ पर खबर चल रही थी कि अचानक से सारी तबाही रुक गई है। जो लोग मारे जा चुके थे वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन सारी तबाही रुक चुकी थी। अब ये लोग इस तरह हुई दुनिया से जीना शुरू कर रहे थे। एरिक की जान देने की एक वजह ये भी थी कि उसने जो रोशनी देखी थी उसमें उसने एक फ्यूचर देखा था, जिसमें उसने अपनी बेटी जो बड़ी हो चुकी थी उसे एंड्रयू के साथ देखा था, और ख़ुद को उन लोगों के साथ नहीं देखा था, जिससे वो समझ गया था कि उसका खुद को ख़त्म कर लेना ही बेहतर है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि एंड्रयू और उसकी बेटी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में निकल जाते हैं, और इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।